बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद मुनीर अहमद एंड वी आर डिस्कसिंग केमिस्ट्री एफएससी पार्ट वन चैप्टर नंबर वन बेसिक कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक मॉलिक्यूल और इसी की सब हेडिंग में हम एटॉमिक सिटी और क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे। ओके, वी टेक द स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। स्टूडेंट, हम मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल की कंडीशन ये है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ग्लूकोज एटसेट्रा। स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल इन एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल आपके लिए थोड़ी डिफरेंट है। इसके मुतालिक आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हीलियम तो एटम है, इसको हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में क्यों डिस्कस किया है? लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि आपको जब भी किसी पर्टिकुलर चीज़ को चेक करना है तो आप उसकी डेफिनेशन उस पर अप्लाई कर लें। अगर वो उसकी डेफिनेशन को जस्टिफाई और सेटिस्फाई करता है तो वो चीज़ उससे बिलोंग कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि हीलियम मॉलिक्यूल है तो हम हीलियम की डेफिनेशन को मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को हीलियम के ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये इसको जस्टिफाई करता है। जब हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, बल्कि यही नहीं, हमारे पास ग्रुप 8A के तमाम एलिमेंट्स जिनको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये तमाम के तमाम नोबल गैसेस के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हम इन तमाम को मॉलिक्यूल की एग्जांपल के तौर पर डिस्कस कर सकते हैं। मॉलिक्यूल से रिलेट करती हुई एक टर्म है एटॉमिक सिटी। एटॉमिक सिटी को हम यहाँ डिफाइन करते हैं, एटॉमिक सिटी को हम डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक सिटी। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक सिटी ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल इज वन, बिकॉज हीलियम मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन एटम ओनली। एटॉमिक सिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज टू। एटॉमिक सिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 7। एटॉमिक सिटी ऑफ ग्लूकोज इज 24। जितने नंबर ऑफ एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं वो उसकी एटॉमिक सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं एटॉमिक सिटी का इसके अलावा हमें क्या एडवांटेज है, हम मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन भी एटॉमिक सिटी की बुनियाद पे कर सकते हैं। हम पहली क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक सिटी। एटॉमिक सिटी की बुनियाद पे जब हम मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करते हैं तो उसमें जो हमारे पास पहली टाइप बनती है उसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, ऐसे मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम, जैसे कि हमने इसकी एग्जांपल अभी डिस्कस की, नोबल गैसेस की एग्जांपल हीलियम, नियॉन एटसेट्रा। एटॉमिक सिटी ही की बुनियाद पे हम दूसरी टाइप बनाते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि स्टूडेंट नाम से ही क्लियर है कि हमारे पास मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ टू एटम इज कंसीडर एज डायटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास नाइट्रोजन है, HCl है, एटसेट्रा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह हम इसको फर्दर एक और टाइप इसकी डिस्कस करते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल।
ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल. द मॉलिक्यूल विच इज कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एटसेट्रा. एटॉमिक सिटी ही की बुनियाद पर हम जो इसकी एक और टाइप बना सकते हैं, एक और क्लास बना सकते हैं, वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. स्टूडेंट, द मॉलिक्यूल विच कंटेन मोर देन थ्री एटम इन द मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोज एटसेट्रा. ओके स्टूडेंट, हम मॉलिक्यूल्स को एक और तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंबाइनिंग एटम. अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूल की करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम. अब हम नेचर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर मॉलिक्यूल्स को दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं. पहली हमारे पास है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. होमो मीन्स सेम, इसी के लिए होमो न्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल की टर्म भी बोली जाती है. होमो मीन सेम, यानी मॉलिक्यूल के अंदर सेम काइंड ऑफ एटम मौजूद होंगे, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, फास्फोरस, सल्फर एटसेट्रा. दीज ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स. जो इसकी सेकेंड क्लास है, ये सेकेंड टाइप है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल. इसमें स्टूडेंट नाम से हेट्रो मीन डिफरेंट, जिसके अंदर डिफरेंट एटम्स कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल डेवलप करते हैं. फॉर एग्जांपल, इसको हम डिफाइन करते हैं द मॉलिक्यूल विच इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम. फॉर एग्जांपल, हमारे पास HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, एटसेट्रा एटसेट्रा. स्टूडेंट, इसके बाद हम एक और थर्ड टाइप से भी मॉलिक्यूल को क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल को जब बात करते हैं तो हमारे जहन में एक बात क्लियर होनी चाहिए, मॉलिक्यूल डेफिनेटली एटम से बिगर होता है, लेकिन यहां पर जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ये मॉलिक्यूल की आपस में साइज की बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एटम वी क्लासिफाई मॉलिक्यूल इन टू टू क्लासेस और टू टाइप्स. नंबर वन, माइक्रो मॉलिक्यूल्स. माइक्रो मीन छोटा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स. इफ द मॉलिक्यूल्स आर कंसिस्ट ऑफ फ्यूअर नंबर्स ऑफ एटम्स, फ्यूअर मीन स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स पर बेस करता हो, तो हम उसको डिफाइन करते हैं एज माइक्रो मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इसकी एग्जाम्पल में हम H2SO4 को डिस्कस कर सकते हैं, HCl, HNO3 एटसेट्रा. जब हम बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल की, मैक्रो मॉलिक्यूल मीन बिग साइज मॉलिक्यूल विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स. इसके अंदर हम जो एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं. यहां पर आपको एक एग्जाम्पल कोट की गई है, हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है विच ट्रांसफर द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. स्टूडेंट, ये एक मॉलिक्यूल अप्रोक्सीमेटली 10,000 एटम्स से मिलकर बनता है, और ये अप्रोक्सीमेटली 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन. जस्ट इमेजिन हाउ बिग साइज ऑफ द हीमोग्लोबिन. ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.